Hi friends, welcome back to my channel. Today we'll discuss the modes of revocation of offer. के offer को हम और किन तरीकों से revoke कर सकते हैं, हमने एक पढ़ चुके हैं already, that is by communication. So apart from that, हम कितने और तरीकों से offer को revoke कर सकते हैं. So let's see. So modes of revocation में first point is by communicating it through the notice to the offeree. ऑफ़री को नोटिस दे के और उस चीज़ को कम्युनिकेट करके उसको हम बता सकते हैं कि हम ऑफ़र जो है वापस ले रहे हैं. सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, बिकॉज ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है अर्लियर वीडियो में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन के अंदर. ओके, सो दिस विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट टू रिवोक द ऑफ़र और द सेकेंड वे टू रिवोक द ऑफ़र इज बाय लैप्स ऑफ टाइम. सो In those offer where the time has been mentioned that you have to accept the offer within that particular time frame, then the offer lapses if that time frame expires. मतलब जिन offer के अंदर ही mentioned है उसकी terms and conditions में कि आपको इस particular time frame के अंदर offer accept करना है, तो अगर offeree उस particular time frame के अंदर offer accept नहीं करता है, then the offer expires. Suppose करो A ने Monday को offer किया B को to sell his car for rupees 50 lakhs और प्लस अदर कंडीशंस भी थी, बट उस कंडीशंस में एक कंडीशन मेंशन थी, दैट वाज बी हैज़ टू रिप्लाई टिल संडे. उसके पास 7 days है, उसको संडे तक रिप्लाई करना है कि इफ़ ही इज़ विलिंग टू बाय द कार, इफ़ ही इज़ एक्सेप्टिंग द ऑफ़र. सो इन दैट केस संडे तक, मंडे से संडे तक ऑफ़र इज़ वैलिड, बट जैसे ही संडे चला जाता है नेक्स्ट मंडे को द ऑफ़र गेट एक्सपायर्ड. सो अगर नेक्स्ट मंडे को बी आके बोलता है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र, ऑफ़र तो आपने किया था, मैंने बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करने को मैं रेडी हूँ, सो ये ऑफ़र वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बिकॉज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस में ही था कि यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफ़र बाय द संडे. सो जैसे एक बार संडे चला गया, ऑफर्स गेट एक्सपायर्ड, मतलब ऑफर लैप्स हो गया, या हम बोल सकते हैं ऑफर गेट्स रिवोक्ड, ऑटोमेटिकली इट गेट रिवोक्ड, वापस ले लिया गया है ऑफर, बिकॉज उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ही क्या था कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसको एक्सेप्ट करना है. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हेन देयर इज नो टाइम फ्रेम मेंशन इन द ऑफर, ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, देन इन दैट केस रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा. नाउ ये रीजनेबल पीरियड कौन डिसाइड करेगा? जनरली ये डिसाइड किया जाता है कि आप किस चीज़ का ऑफ़र कर रहे हो, किस कंडीशंस के अंदर ऑफ़र कर रहे हो, पार्टीज़ कौन है, प्लस ऑल अदर सिचुएशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उस बेसिस पे रीजनेबल टाइम डिसाइड किया जाता है. इनकेस अगर डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट उस बेसिस पे रीजनेबल टाइम डिसाइड करेगी. जैसे सपोज करो अगर कोई पेरिशेबल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स मोस्टली पेरिशेबल ही होते हैं सारे, सो सपोज करो कोई फ्रूट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी को बोला कि मैं विलिंग हूँ अपनी गार्डन के, अपने फार्म की मैंगोज तुम्हें सेल करने के अंदर, फलाना फलाना कंडीशंस है, इतने रुपए के अंदर, इतने टाइम के अंदर, एवरीथिंग टाइम नहीं, इतने रुपए के अंदर, बट कोई टाइम मेंशन नहीं है. सो इन दैट केस सपोज करो बी आता है आफ्टर 40 डेज और बोलता है कि तुमने ऑफर किया था टू बाय योर मैंगोज, सो आई एम रेडी टू बाय देम, बट ए सेड कि भाई अब तो आम ही ख़राब हो गए, 45 दिन तक वो नहीं टिक सकते, सो इट गेट एक्सपायर्ड. सो ये जो टाइम फ्रेम है वो रीजनेबल बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं है. इफ़ द कोर्ट थिंक्स के या 45 डेज बहुत लॉन्ग टाइम है जिसके अंदर कोई फ्रूट एक्सपायर हो सकता है, तो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना ही नहीं था, बिकॉज ऑफर गेट रिवोक्ड, क्योंकि वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया, रीजनेबल टाइम निकल गया जिसमें आपको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो ऑफर गेट रिवोक्ड. सो दैट इज़ द अदर थिंग. नाउ द अनदर सिचुएशन इन विच द ऑफर गेट्स रिवोक्ड और द ऑफर लैप्सेस इज When there is some condition precedent, मतलब कोई conditional offer है जहाँ एक party दूसरे को कुछ offer तो कर रही है but on the basis of some conditions. So अगर वो condition fulfill नहीं की जाती है then offer gets revoked. For example, A B को बोलता है I am willing to sell my car to you for rupees 20 lakhs but you have to sell me your कोई भी example ले लो, you have to sell me your mobile for rupees 10,000. सो इन दैट केस ए का ऑफ़र बी के लिए वैलिड है, बट कब? अगर बी भी अपना मोबाइल उसको सेल करने के लिए रेडी हो. अगर बी मोबाइल सेल करने को रेडी नहीं है एंड ही सेज कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफ़र फॉर रुपीज़ 20 lakh में कार बाय करने का, तो ये ऑफ़र वैलिड नहीं है, बिकॉज ये ऑफ़र माना जाएगा कि लैप्स हो गया है. क्यों? क्योंकि इसके पहले कंडीशन थी, कंडीशन प्रेसिडेंट, इस ऑफ़र के पहले कंडीशन थी, दैट इज़ कि बी भी अपना मोबाइल जो है वो ए को
सेल करेगा। सो ऐसे ऑफर्स जो कंडीशनल होते हैं, जिसके पूरा करने के लिए पहले कोई कंडीशन रखी जाती है, सो वो तब तक वैलिड नहीं होंगे जब तक कि उस कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाए, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। सो दैट वॉज अ अनदर वे टू रिवोक द ऑफर, दैट इज इफ यू डू नॉट फुलफिल योर कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। नाउ द अनदर मोड फॉर रिवोकेशन इज डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, कि अगर ऑफरर नहीं रहता या ऑफरर इनसेन है, दैट इज़ मे बी उसको कोई इलनेस है, मे बी मेंटल इलनेस है, या वो इंटॉक्सिकेटेड है, दैट इज़ उसने शराब के नशे में है या किसी और नशे के अंदर है, तो ये माना जाता है जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही इज़ नॉट सेन, मतलब वो अपनी होशो आवाज में नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो ऑफर अपने आप एक्सपायर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सपोज करो ए वॉज अ पेंटर, वो एक पेंटर था, उसने बी को ऑफर किया था कि आई विल ड्रॉ योर स्केच। सो अगर ए बीमार हो जाता है, वो अब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो ड्राइंग कर सकता है, स्केचिंग कर सकता है, या ए नहीं रहता है खुद, या इंटॉक्सिकेशन के अंदर है, सीवियर इंटॉक्सिकेशन के अंदर है, जिसके अंदर उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, तो इन सब केसेस के अंदर माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिवोक हो गया है, बिकॉज जो पर्सन ने ऑफर किया था अब वो सिचुएशन के अंदर नहीं है या वो पर्सन ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो इन ऑल दोस केसेस ये माना जाएगा कि दैट पर्सन इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोक्ड। नाउ द सेकंड थिंग इज, हर कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर की डेथ होने पे ये नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड हो गया है। पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हो सकता है ए ने ऑफर किया हो बी को, ए नहीं रहा है, बट तब भी उसकी एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सके, तो फिर उसके लीगल हेयर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। नाउ ये वापस से एक डिस्प्यूट का कारण हो सकता है, सो द कोर्ट विल डिसाइड कि वो केसेस कौन से हैं जिसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी से या उसके लीगल हेयर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में माना जाएगा कि डेथ के बाद में या इंसैनिटी के बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिवोक हो गया है। नाउ द अनदर वे टू रिवोक द ऑफर इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर वी हैव ऑलरेडी रेड व्हाट इज काउंटर ऑफर, दैट इज व्हेन वन ऑफर इज मेड एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट अनदर ऑफर इज मेड। सो ये माना जाएगा जब हमने कोई ऑफर किया और उसके रिस्पॉन्स में ऑफरी ने वापस से कुछ ऑफर किया, तो पहला ऑफर क्या हो गया, रिवोक हो गया। सो आई विल बी लीविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द काउंटर ऑफर, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन यू विल नो दैट व्हाट इज काउंटर ऑफर। सो दैट वाज वन ऑफ द वे टू रिवोक द ऑफर। नाउ द नेक्स्ट वे टू रिवोक द ऑफर इज दैट इज कि इफ इन द ऑफर द ऑफर हैज मेंशन द प्रिस्क्राइब्ड मोड टू एक्सेप्ट द ऑफर, देन इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन दैट पर्टिकुलर मोड देन द ऑफर गेट्स रिवोक्ड। फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर किया बी को कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर रुपीज 20 लाख एंड रिप्लाई मी इफ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर थ्रू टेलीग्राम। सो इन दैट केस इफ बी डजेंट रिप्लाई टू ए इन द टेलीग्राम, देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट द ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड। बी ने उन्हें टेलीफोन किया या कुछ अदर वे किया, बट जो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मोड था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिवोक्ड। Now, the another way to revoke the offer is by destruction of subject matter. जिस चीज़ पे हमने offer किया था, अगर वो चीज़ ही नहीं रहती है, then the offer gets revoked. For example, A contracts B that I will be selling the mangoes of my farm to you for rupees this and this, and other terms and conditions are this. But A just forgot and he just left the mangoes outside, and the rain came and the mangoes get expired. So in that case, now the contract cannot be happened. Now the offer is revoked because jis cheez ke liye offer kiya gaya tha mangoes, ab wo mangoes hi nahi rahe. So in that case, the offer automatically gets revoked. Now the next way to revoke the offer is by change of law. Ke agar kisi country ka law hi change ho jaye, to us basis pe jo offers kiye gaye hain, wo revoke ho sakte hain. Jaise for example, A ne B ko offer kiya tha to sell the liquor, ke wo शराब बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। सो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस टाइम पे इट वाज लीगल इन दैट कंट्री टू सेल और टू डील इन दी एल्कोहल,
बट अगर अब कंट्री लॉ पास कर देती है कि कोई लिकर सेल नहीं की जाएगी या शराब नहीं बेची जाएगी, सो इन दैट केस वो ऑफर अपने आप क्या हो गया, एक्सपायर हो गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन लॉ. क्योंकि जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था या ऑफर दिया था उस टाइम पे दैट वाज वैलिड, बट अब लॉ चेंज होने से क्या हो गया, वो ऑफर जो है वो वैलिड नहीं रहा. सो इट मींस द ऑफर गेट रिवोक्ड और द ऑफर लैप्सेस, और हम बोल सकते हैं द ऑफर गेट टर्मिनेटेड. कोई भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है. द थिंग इज कि ऑफर वैलिड नहीं रहेगा. आई होप गाइज आपको समझ में आया हो ये वीडियो. सो इससे रिलेटेड या अर्लियर वीडियो से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी देन प्लीज़ लीव इन अ कॉमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल माई वीडियोज देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. आई एम ऑन ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम विद CPA निधि लड़िवाल. सो यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो. एंड इफ यू आर लाइकिंग माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक यू.